डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, एन ए प्लस एम डी टू प्लस एन ई और ओ टू माइनस दिया हुआ है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आयन और न्यूट्रल एटम दिया जाता है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। ये जो है वो कहीं क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। तो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो देख लीजिए, तो चलिए सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, Na+ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2+ प्लस पे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 है, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज है। बात समझ में? अब इसमें जो माइनस वाले, सबसे ज़्यादा माइनस वाला है उसको एक साथ रखिए, और जो प्लस वाला है उसको, जो सबसे ज़्यादा प्लस वाला है उसको बाद में रखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ओ टू माइनस को रखा, फिर इसके बाद न्यूट्रल रखा, फिर सोडियम आयन रखा, और फिर Mg2+ आयन रखा। ये अगर आप नहीं सीक्वेंस कर पाते कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो के। किसके? इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जिसका ज़्यादा आएगा वही जो होगा सबसे बड़ा साइज का होगा, और जिसका कम आएगा वो सबसे छोटा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो लगाते हैं। तो देखिए, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में ही ना? प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नियॉन का 10 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो इसकी आएगी, और सबसे कम वैल्यू जो है वो इसकी आएगी, और यहाँ पर इसकी इससे ज़्यादा, इससे कम इसकी होगी, फिर इससे कम उसकी होगी। तो यानी कि रेडियस का ऑर्डर जो होगा वो ये वाला आएगा। और आपसे पूछ, कौन कह रहा है, स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है। तो अगर स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।